हम कहाँ हैं वो आपको अभी समझ आ जाएगा। Hey guys, new day, new ride. Welcome back to PMX Vlogs. I hope आपका 2021 अच्छा जा रहा हो अभी तक, लास्ट ईयर के जैसे नहीं स्टार्ट हुआ। इस बार थोड़ी सी लॉन्ग राइड प्रिपेयर करी है हमने हमारे लिए, थोड़ा टेस्ट भी हो जाएगा हमारा कि लॉन्ग राइड पे हम कैसे परफॉर्म करते हैं। आज की डेस्टिनेशन है बीसलपुर डैम, जो 150 किलोमीटर है जयपुर से। हम कोशिश कर रहे हैं ये सिंगल टेक में करने की, एज हमको हमारी बॉडी को कंफर्टेबल भी करना है फ्यूचर की लॉन्ग राइड्स के लिए। सो हमने कर लिया 90 किलोमीटर्स अभी तक, एंड अभी हम हैं बनास रिवर के पास। तो ये है बीसलपुर डैम का फ्रंट साइड, यहाँ से जा रहे हैं वहाँ, जो मेन डैम है वो उसके पीछे है। ये जो गेट्स हैं, जब ओवरफ्लो होता है तो ये गेट्स वगैरह खुल जाते हैं एंड फिर ये पानी आगे तक जाता है। सो लेट्स गो। ये है डैम का कंट्रोल सेंटर जहाँ से सप्लाई होती है वाटर की। सो फाइनली वी हैव मेड इट, एंड हम कहाँ हैं वो आपको अभी समझ आ जाएगा। लुक एट दिस, वो एक कोई आइलैंड सा है। अरे ये अकेला ऐसा डैम है जो काफ़ी एरियाज की जो वाटर कंजम्पशन है वो सेटिस्फाई करता है। एक्सप्लोर करते हैं जगह एंड देन विल सी। ठीक ठाक टाइम लगा हमको यहाँ पहुँचने में, इट टुक अस लाइक अराउंड 3 आवर्स। पासी में एक एक्वेरियम है, वहाँ पे आए हम। ये वाला जो एरिया है ये एक्वेरियम है, आई थिंक लैंडिंग सेंटर बोल रहे हैं फिशेस के लिए। सो ये डैम 1990s में इनिशिएट हुआ था एंड 1999 तक कंप्लीट हो गया था। सो हम थोड़ा नीचे आ गए डैम के, जो ओवरफ्लो वाले एरिया में जाते हैं। जब डैम भर जाता है तो वो गेट्स वगैरह खुल जाते हैं और ये पूरा एरिया फिल हो जाता है और ये पानी आगे तक जाता है। बट ऐसे कभी काफ़ी टाइम से हुआ नहीं है कि गेट खोलने की नौबत आई हो। A few moments later. सो वी केम टू अ डिफरेंट लोकेशन, जगह का नाम है हदी रानी का कुंड, टोंक में ये सिचुएटेड है। काफ़ी अच्छा पार्क है एंड पिकनिक स्पॉट भी लग रहा है। काफ़ी अच्छी जगह है, जयपुर में और राजस्थान में काफ़ी ऐसी बावड़ीज हैं। ठीक है इतना ब्यूटीफुल लग रहा है।
अगर आप भी कोई एक छोटी राइड प्लान करने का सोच रहे हैं तो दिस कुड बी अ डेस्टिनेशन, ज़्यादा दूर नहीं है एंड 150 टू 200 किलोमीटर्स के अराउंड, सो दिस कुड बी अ डेस्टिनेशन जहाँ पे आप आ सकते हैं, डे स्पेंड कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। एंड आई थिंक ट्रैवल करने के लिए सिर्फ बहानों की ज़रूरत होती है, तो ये उनमें से एक हो सकता है अगर आप चाहें तो। टाइम आ गया घर वापस जाने का, मन तो नहीं है पर अगर हमें 9 बजे से पहले घर पहुंचना है तो दिस इज द राइट टाइम टू लीव। करंटली इट इज़ 5:30। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स। थोड़ी बात कर लेते हैं गाड़ी की। TVS Ntorq आई थिंक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है हाईवेज पे। क्रूज करते टाइम यू कैन ईजिली मेंटेन 85 to 90, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि फ्यूल इकॉनमी आई थिंक हमको 40 to 45 के अराउंड मिल रहा है अभी, जिसमें हम पिलियन के साथ ड्राइव कर रहे हैं। That's it for the video guys. Milte hain next video mein. Until then, bye, take care and ride safe.